वैसे कहते हैं कि पहला प्यार ना कभी नहीं भूलता. अब आई डोंट रियली नो मच अबाउट दैट, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जीवन में आगे बढ़ चुके हैं तो अपनी पुरानी यादों को ना एक बक्से में बंद करके ताला लगाकर चाबी कहीं फेंक दीजिए, नहीं तो ये पुरानी यादें जब वापस आती हैं ना तो मुसीबत बनकर वापस आती हैं. ठीक वैसे ही जैसे कि सीरियल साथिया में आनंद की एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है गहना के लिए, मुसीबत बनकर. पुराने प्यार को अनंत भूल चुका था, अपने इसी पुराने प्यार को कभी उसने घर से बाहर का रास्ता दिखाया था. अब देखिए वही पुराना प्यार यानी कि राधिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई है. अनंत जो भी हो मैं भूल गई, तुम भी एक बिजनेसमैन बहुत ही प्यार करते हैं. जैसे ही उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो हमने शादी की बात करी, बिकॉज वी वुडन्ट वांटेड कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए. जी हाँ, गहना और अनंत की जिंदगी में देखिए राधिका एक बार फिर से लौट आई है, और इस बार तो राधिका के तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं. अभी भी इनको यू नो ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया है, मुझ पे गुस्सा है, या फिर अभी भी गहना के प्रति इनका व्यवहार कैसा है उसके बारे में क्या सोचती हैं? तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. मतलब आज मैं घिर गया हूँ कि एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ जिम्मेदारी. मिसेस सूरत कंपटीशन में राधिका को देखकर सभी चौंक गए थे, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब वो सीधे घर भी आ गई है और आते ही उसके इरादे समझ आ गए हैं गहना को. अब भले ही वो शादी कर कर लौटी है, लेकिन भाई शादी कहीं दिखावा तो नहीं है राधिका. हमें तो लग रहा है कि आप यहाँ पर कुछ करने आई हैं, यानी कि काम बिगाड़ने. खैर अब सीरियल में पति पत्नी और वो वाला ट्रैक फिर से शुरू हो गया है. बेचारी गहना के लिए तो मुसीबतों की बरसात शुरू हो गई है. उसकी जेठानियाँ कम थी क्या जो अब सौतन भी आ गई है. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.